आज जो अपने हमारे मोनिया इस्लामिया स्कूल के आगे वन वे कर रखा हमने, काम चल रहा है नाले का, उसको देखते हुए हमने जो मार्ग है वो डाइवर्ट किया है बाटा तिराए से लेकर के अपने पड़ाव होते हुए क्लॉक टावर। और यहाँ आए दिन प्रॉब्लम है कि यहाँ लगभग 160 फीट चौड़ा रोड होने के बावजूद भी यहाँ के व्यापारिक गणों द्वारा यहाँ पर सामान रख के कम से कम 50-50 फीट की जो सड़क है उसको इन लोगों ने कवर कर रखा है, जिसे यातायात में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इसी के तहत आज नगर निगम को निवेदन कर साथ में हमने लेकर के आज इनके सामान को जब्त करके और कार्रवाई की जा रही है और यातायात को सुगम बनाया जा रहा है। हाँ जी, कार पहिया वाहन भी खड़े रहते हैं। हाँ, फोर व्हीलर है वो भी, उसके भी नाजायज जो पार्किंग कर रखी है उसके तहत भी हम चालान बना करके उनको भी हटाने का काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो, ये बड़ा 160 फीट का सड़क है तो ये यातायात यहाँ से अगर डाइवर्ट किया जाए या स्टेशन का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा स्टेशन रोड का, इसको देखते हमें ये डाइवर्जन के दौरान तो कर ही रहे, हम चाहते भविष्य में भी इस रोड को सुरक्षित रखें, एकदम खाली रखें, व्यापारी द्वारा जो अतिक्रमण कर रखा है उससे इसको मुक्त कराएं ताकि अजमेर वासियों को एक अच्छा अल्टरनेट रास्ता है वो मिल सके। चाहते इसी को भी, हाँ बिल्कुल, सरकार की प्रॉपर्टी पे चाहे सड़क हो चाहे बीच का जो मार्ग हो, जो इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है बिल्कुल नाजायज है, इसके लिए हम बिल्कुल सख्ती से कानूनी कार्रवाई करके इन लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो सरकार की जो जमीन है उसमें पब्लिक के साथ साथ आप लोगों को भी होना चाहिए कि इसको सुरक्षित रखें, आप लोगों का भी दायित्व होना चाहिए, लेकिन अगर आप दायित्व को भूलते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे।